नाज़रीन, पीएसएल में मायूस को इनकार करदगी के बाद आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं लाहौर कलंदर के ऑनर जनाब राणा फवाद साहब। सर जी, ये इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए, ये तो कहने आए हैं कि मेरे को टीम पाई ये फालतू जो कहे लानी है दिल लगो तोल के दे देगा दिल लो। राणा साहब, आप मुसलसल चार सालों से हार रहे हैं लेकिन लोगों के दिल जीत रहे हैं, आप अपने रवैये की वजह से, अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से। लेकिन क्या बात है, हर बंदा तारीफ करता है कि माशाल्लाह राणा साहब के घोड़े ने हर बारी सारे अगे लाया, यानी सबसे पीछे होता है। इधरों वेखो तो सब तो पीछे होता है कि उधरों वेखो तो सब अगे लाया। गोड़ा रमया थोड़ा डुबा हो सह ना निकले। हाय हाय अजीजी साहब, मैच तो पहले तो राणे से कैमरा बजता तो चलो कोई गल नहीं, सही बात है। जो तो टीम हार गई है तो फिर राणे से कैमरा बजता, राणा साहब जरा आया भी जा सकता, मैं भी जा सकता, वो कैमरा इंजी बजता जिम्मे शरीक ने डांग कट मारे। सही बात है, चार साल हो गए जो मैं डांगा खा गया, चार साल। हाय हाय, अभी तो अगले साल भी पढ़नी है। बड़े मनूस हो यही गल लोग बारे अरे राणा साहब, मेरी बात में मैंने जो आपका आखिरी इंटरव्यू सुना उसमें आपने कोई ऐसे इशारे दिए, लगता ये है कि शायद अगली बार आप लाहौर कलंदर को ना खिलाए या शायद मतलब पीएसएल से बाहर हो जाए, क्या बात है? नहीं, कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट ही छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अगर खेलूंगा तो लाहौर कलंदर से ही खेलूंगा। बेटा, अगर करवाऊंगा तो लाहौर कलंदर का ही करवाऊंगा। ये सब तो अभी चला, मैं लाहौर कलंदर का बेड़ा गर्क कर दिया कि लाहौर कलंदर मेरा बेड़ा गर्क कर। ये फैसला तो अभी बाकी है, नाम बदल के देख लो अपना ये टीम का। जी, इसका भी घर वालों ने जब ये पैदा हुआ ना तो नाम रख दिया पहाड़ बाट, इसके नैन नक्शी नहीं बने। फिर किसी बुजुर्ग ने कहा कि इसका नाम बदले, फिर इसका नाम रखा गोगा जी, फिर इसके नैन नक्श निकले। आप अपनी टीम का नाम लाहौर कलंदर की बजाय लाहौर मलंग रख के दे। क्रिकेट ही खेल होता ग्राउंड के बाहर चक्कर लाउन डे आते, जो तेरी टीम ना तो चंगा रहा, चक्कर चुकर ला के घर टूर जाता। गल राणा साहब, तुम अपनी टीम का नाम बदलो, तुम रखो लाहौर लाहौर। नहीं नहीं, मैं कहता जसिंदा दिला ने लाहौर लाहौर के संग रखे, तहू आदि गल्ला मोटा उर्दू ऐसी बोलता जी ने मेरी टीम खेल दी। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि टीम का नाम बदल लो, चार साल मैंने जोर लगाया कि इसी नाम से जीतना है जी। अब चार साल बाद फैसला किया है कि टीम का भी और अपना भी नाम बदल रहे हैं। वो अभी नहीं गल्ला, मैं हर साल लाहौर की मोहब्बत में पैसे लगाता हूँ, खिलाड़ियों को नहीं ख्याल आता कि लाहौर की इज्जत कैसे रखनी है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत। वैसे राणा साहब, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप क्रिकेट की टीम छोड़ ही दे, आप कबड्डी की टीम खरीद, उसका खर्चा ही कोई नहीं, कच्छे पहन के खेलना शुरू हो जाता। इनको आप किट्टे लेके देते हैं, बूट लेके देते हैं, पता नहीं क्या क्या, जरा सी रात को ठंड हो स्वेटर भी उनको देना पड़ता है। पाउडी की टीम आपको ठीक रहेगी, ये तो फाइव स्टार होटल में रहते हैं ना, पाउडी की टीम उधर ही मैच खत्म करके ग्राउंड में ही सौ जाती है। मेरी बात सुनो, मैंने उतो ही जगाया उन्होंने नहर से नुहाया तो वापस फिर मैच। यार मेरी बात सुनो राणा साहब, अगर यशु पंजू की टीम भी खरीद ले तो उसने आखिरी नंबर पर। वैसे आप भी कम मनूस नहीं है यार, खर्चा तो नहीं ना होगा। क्रिकेट की टीम में जुनैद साहब सबसे महंगी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या इनको खिलाना पड़ता है, डॉक्टरों की डाइट के मुताबिक। कौडी की टीम खरीदे हुई है, उन्होंने वड्डे पावे खुआओ छोटे खुआओ उन्होंने पता नहीं लगता। तो कहीं भाई जी भावे वे हो छोटे होने अपने पावे से हाथ मारना। वैसे जुनैद साहब गल बंदा ठीक करने आ रही, कहते जुनैद साहब ने बताया कि यशु पंजू की टीम भी लेंगे तो हार नहीं है, जो फांसी लगना तो बंदा वकील से सस्ता कराए ना। खर्चा बचाओ अपना, ये क्रिकेटरों के लिए तो इतनी सिक्योरिटी का खर्चा भी आपको करना पड़ता है, तो कबड्डी की टीम होगी किसी की सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं, अपने अपने घरों निकलेंगे, खरबूजे बांध के चंदर च सिर ते रख ले, रात जिन्हें बेच गए बेच गए, ना बिके तो आके स्टेडियम चुआ चलो। गल उनका लगा वो पैसा
यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि पैसा बचाए। बहुत महंगी टीम होती है और क्रिकेट की और स्टेडियम में बड़ा खर्चा होता है। ये कमेंट्री करने वाले इतने इतने महंगे, रमीद राजा, डेनी मोर्सन, तो कबड्डी के तो मैच के अंदर जनाब जेड़ा पिंड च सब तो बहुता बोलने वाला हो तो कमेंट्री चला ली। तुम कौन सी कबड्डी बीच में डाल रहे हो? दादा साहब ने टीम खरीदी हुई है, पैसे खर्च किए हुए हैं। हाँ मुंडे में कितने पागल तक भुक पहले वेले होते बैठे ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ।